नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज 1 मई 2019 बुधवार का दिन है और आज दिन भर की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन आप सभी के लिए हाजिर हैं। दोस्तों आज के मुख्य समाचारों में बताई जाने वाली सभी खबरें काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पर लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक करना और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। चलिए दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर अपडेट। हरे रंग में होगी इलेक्ट्रिक व्हीकल की रजिस्ट्रेशन प्लेट, मुफ्त में मिलेगा पार्किंग और टोल। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक व्हीकल की अलग पहचान के लिए देश के सभी राज्यों को पत्र लिखकर निर्देश जारी किए हैं और इसमें कहा गया है कि राज्यों में इलेक्ट्रिक व्हीकल के तौर पर रजिस्टर्ड होने वाले वाहनों के रजिस्टर्ड प्लेट के बैकग्राउंड वाली हरे बैकग्राउंड वाली प्लेट होनी चाहिए, जिसमें नंबर व्हाइट कलर में लिखे होने चाहिए। और सरकार ने पत्र के मुताबिक प्राइवेट कमर्शियल व्हीकल की रजिस्ट्रेशन प्लेट का बैकग्राउंड ग्रीन कलर का होना चाहिए, जबकि नंबर पीले कलर में दर्ज किए जाने के निर्देश दिए हैं। नीति आयोग ने केंद्र सरकार के लिए इस तरह का प्रस्ताव तैयार किया, इसमें केंद्र के 7 मंत्रालय पावर, रोड, हैवी और इलेक्ट्रिक की मदद करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो उसका आपको मिलेगा हरे रंग की नंबर प्लेट मिलेगी, साथ ही में आपको पार्किंग और टोल और भी कई तरह के ऑफर आपको इसके साथ दिए जाएंगे। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए सरकार काफी प्रयास कर रही है, इसकी डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट। 20 करोड़ लोगों के पैन कार्ड हो सकते हैं बेकार, सरकार की यह है प्लानिंग। जी हाँ दोस्तों, तथा केंद्र सरकार ने तथा परमानेंट अकाउंट नंबर यानी PAN और आधार कार्ड का लिंक करने की डेडलाइन 30 सितंबर 2019 तय कर दी है और इनकम टैक्स विभाग उन लोगों के पैन कार्ड डीएक्टिवेट कर सकता है जिन्होंने 30 सितंबर 2019 तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है। कुल 44 करोड़ पैन कार्ड में 20 करोड़ को अभी तक आधार नंबरों से नहीं जोड़ा जा सका है। आयकर विभाग ने एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक अब तक 24 करोड़ पैन कार्ड लिंक किए जा चुके हैं और इसमें हमें संदेह है कि बड़ी संख्या में पैन कार्ड फर्जी या नकली हैं और इसी वजह से हमने पैन को आधार से लिंक करने का अनिवार्य तक किया था। और बता दें कि जिन टैक्स पेयर को 31 जुलाई 2019 तक इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR भरना होगा, वो बिना पैन के आधार के साथ लिंक किए रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। और इनकम, इसका मतलब ये होगा कि 31 जुलाई से पहले पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी अभी तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो करवा लीजिए, वरना आपके बैंक अकाउंट फिर आपको पैसे लेन देन में काफी दिक्कतों का सामना कर सकता है। इसकी डिटेल दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर ज्यादा देख सकते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट। बिजली निगम पेपरलेस करने के लिए तथा अब ईमेल पर भेजेगी बिल। जी, दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम अब दिल्ली के तर्ज पर उपभोक्ताओं को तथा ईमेल के माध्यम से बिजली का बिल उपलब्ध करवाएगा और इससे उपभोक्ताओं को अब बिल नहीं मिलने की शिकायतें नहीं होंगी। और उपभोक्ताओं को अब KYC भरने के लिए मोबाइल नंबर पर निगम एक लिंक भेज रहा है और जिसमें उपभोक्ता इस लिंक पर KYC अपडेट कर इस डिजिटल सुविधा से अपने आप को जोड़ सकते हैं। और बिजली निगम के अधिकारियों ने कहना है कि मानसेरा में 100% उपभोक्ताओं ने KYC कर चुके हैं। दोस्तों अब फिलहाल ये दिल्ली और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में लागू की गई है, धीरे धीरे हमें पूरे देश में ही यही सर्विस देखने को मिलेगी, जिससे कि पूरा देश में बिजली के जो बिल हैं वो पेपरलेस हो जाएंगे और सभी को ईमेल आईडी और फोन नंबर पर ही बिल भेजे जाएंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट। हेलमेट में लगाएं ब्लूटूथ वाइपर और तेज बारिश में भी लीजिए ड्राइविंग का मजा। जी हाँ दोस्तों, तथा बाइक ड्राइविंग के समय अचानक से होने वाली बारिश के चलते कई बार परेशानियों का सामना हम सभी को करना पड़ता है, तथा बहुतायत लोग ऐसे होते हैं जो बरसात में ड्राइविंग करने से बचते हैं, लेकिन कई बार परिस्थितियों के चलते हमें ड्राइविंग करने की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे में हेलमेट के शीशे पर पड़ने वाली बारिश की बूंदें अचानक से सबसे बड़ी चुनौती पैदा हो जाती हैं। और चार पहिया वाले वाहनों में तो वाइपर लगा होता है जिसमें वो विंडशील्ड साफ हो जाती है, और लेकिन बाइक में ऐसी कोई सुविधा नहीं होती। लेकिन अब हेलमेट के लिए भी तथा वाइपर आ चुके हैं जिसे आप आसानी से अपने हेलमेट में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप हेलमेट में जो है वो वाइपर लगा सकते हैं, इसके बारे में आपको ब्लूटूथ से ये कनेक्ट किए जाएंगे। दोस्तों इसकी आजकल हमें आए दिन हर दिन ही दोस्तों नई नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, उसी प्रकार से ये भी नई टेक्नोलॉजी है। इसकी विस्तृत जानकारी जो आप अपनी स्क्रीन पर थोड़ा सा वीडियो रोककर भी देख सकते हो कि इसमें आपको क्या क्या फायदे होंगे और क्या ये कैसे काम करेगा और इसमें क्या क्या काम आप कर सकते हो। चलिए दोस्तों जानते हैं आज की अगली बड़ी खबर। पेट्रोल और डीजल दोनों के दामों में उछाल है आज, ये है भाव, कच्चा तेल में नरमी है। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल के दामों में 2 दिन के विराम के बाद में मंगलवार को फिर वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि डीजल के दाम में लगातार दूसरे दिन भी वृद्धि का सिलसिला जारी रहा। और तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल के दामों में 5 पैसे और डीजल के दामों में 5 से 6 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में फिर नरमी देखी जा सकती है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार पेट्रोल के दाम में 5 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि के साथ ही इसकी कीमत दिल्ली में 73 रुपये और 13 पैसे प्रति लीटर
हो गई है। दोस्तों चारों महानगरों के पेट्रोल के भाव आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, साथ ही आप डीजल के चारों महानगरों के भाव भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपने गाँव या शहर का पेट्रोल और डीजल का भाव देखना चाहते हैं तो आप IOCL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट। मोदी सरकार से आप भी सिर्फ 59 मिनट में ले सकते हैं 5 करोड़ रुपए का लोन। जी हाँ दोस्तों, तथा एक आदत से बिजनेस शुरू करने के लिए तथा बैंकों के से लोन पाने के लिए हमें कितना भटकना पड़ता था, इसे देखते हुए मोदी सरकार ने 59 मिनट में लोन मंजूर कराने की योजना बनाई थी। अब 59 मिनट में लोन लेने वाली स्कीम के तहत कर्ज की सीमा जो है 1 करोड़ से बढ़ाकर 3 से 5 करोड़ रुपए तक कर दी गई है, यानी कि अब आप लोन 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए तक ले सकते हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्रालय की ओर से सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही थी और इसकी धीरे धीरे सीमा बढ़ाई जा रही थी और सरकार ने सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्योगों के लिए तथा 59 मिनट में कर्ज मंजूर करने की योजना पिछले साल नवंबर में लॉन्च की थी और अब इस योजना के तहत आप 5 करोड़ रुपए तक का लोन जो है वो मात्र 59 मिनट में ले सकते हैं। यदि आप भी कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, व्यापार शुरू करना चाहते हैं, फिर छोटा मोटा कोई आपका व्यापार है जिसमें आप 5 करोड़ रुपए तक की जरूरत है तो आप उसे आसानी से शुरू कर सकते हैं। आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी जा सकते हैं जो कि आपको पर्सनल लोन 59 मिनट.com है, उस पर जाकर दोस्तों आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपको 59 मिनट के अंदर ही लोन जो है वो अप्रूवल मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। चलिए दोस्तों जानते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट। तथा आधार नंबर की जगह कीजिए वर्चुअल आईडी का इस्तेमाल, ये है 100% सुरक्षित। जी हाँ दोस्तों, आजकल डेटा चोरी और डिजिटल फ्रॉड की खबरें पड़ रही हैं, ऐसे में अगर आप सुरक्षा कारणों से अपना आधार नंबर शेयर नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास आधार के नियामक प्राधिकरण यानी कि उदय आपको एक और विकल्प देता है, ये विकल्प है वर्चुअल आईडी का। जी हाँ दोस्तों, वर्चुअल आईडी आधार नंबर से जुड़ा हुआ 16 अंकों का अस्थायी नंबर होता है जो कि eKYC के दौरान तथा वर्चुअल आईडी का इस्तेमाल अथॉरिटिकेशन के लिए किया जा सकता है और वर्चुअल आईडी के इस्तेमाल से किसी तरह का डेटा लीक होने की आशंका एकदम खत्म हो जाती है और KYC सत्यापन के समय इस नंबर का इस्तेमाल किया जा सकता है और ये एक अस्थायी आईडी है जो कि तय समय के बाद में रद्द हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इस वर्चुअल आईडी का इस्तेमाल कर आप अपने सारे काम कर सकते हैं। तो इसके बारे में दोस्तों आप अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे आपको ये वर्चुअल आईडी जो है वो कैसे आप जनरेट कर सकते हैं, आप इसे खुद ही जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको उदय की वेबसाइट पर जाना होगा जो कि UIDAI.gov.in पर जाना होगा और उसके बाद आप जो आपको विकल्प दिए गए हैं, जो आपको निर्देश जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप आसानी से वर्चुअल आईडी जो है वो क्रिएट कर पाएंगे। तो दोस्तों आराम से इस वीडियो को थोड़ा सा रोककर यहां पर देखकर आप भी वर्चुअल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट। प्योर ईवी मई में उतारे गए तथा बिजली से चलने वाले 2 व्हीकल। जी हाँ दोस्तों, तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था हैदराबाद द्वारा सहायता प्राप्त तथा स्टार्टअप तथा प्योर ईवी की योजना अगले महीने से देश भर में बिजली चालित दुपहिया वाहन उतारने की है और प्योर ईवी ने भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से वाहनों के विकास के लिए शोध विकास को 18,000 वर्ग फुट में आधुनिक संयंत्र लगाया और कंपनी ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में उसका लक्ष्य 10,000 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री पर है और प्योर ईवी हैदराबाद की IIT के एक स्टार्टअप का हिस्सा है जो कि ई वाहनों पर काम कर रही है। जी हां दोस्तों, जल्द ही हमें पूरे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की भरमार देखने को मिलेगी और दोस्तों इन इलेक्ट्रिक वाहनों पर आपको बढ़िया ऑफर भी दिए जा रहे हैं। यदि आप 2 व्हीकल खरीदते हैं तो आपको यहाँ पर 20,000 रुपये तक की जो प्रोत्साहन राशि वही दी जाएगी और वहीं आप ई रिक्शा खरीदते हैं तो आपको 50,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि मिलती है और वहीं आप चारपहिया वाहन खरीदते हैं यानी गाड़ी खरीदते हैं तो आपको 1,50,000 रुपये तक की इसमें प्रोत्साहन राशि सरकार के द्वारा दी जाती है, यानी आपको काफी इसमें छूट भी मिलती है यदि आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो। चलिए दोस्तों जानते हैं आज की अगली। आज से बंद हो रहे हैं ये डेबिट कार्ड, कहीं आपका कार्ड तो इसमें शामिल नहीं। जी हाँ दोस्तों, तथा डिजिटल बैंकिंग को और मजबूत बनाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं क्योंकि साइबर क्राइम खासकर आर्थिक जगत से जुड़े हुए क्राइम की घटनाएं लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI ने ATM कार्ड के डेबिट कार्ड में बदलाव करने के लिए निर्देश दिए थे और RBI के निर्देश के बाद में बैंकों ने पुराने डेबिट कार्ड की जगह पर नए मैग्नेटिक स्टाइपर कार्ड जारी करने शुरू कर दिए थे और पुराने कार्ड की समय सीमा 30 अप्रैल तय की गई और 30 अप्रैल 2019 से मैग्नेटिक स्टैपर वाले कार्ड काम करना बंद कर देंगे। ऐसा डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड सुरक्षा के लिहाज से काफी कदम उठाए जा रहे हैं जो कि अच्छा नहीं माना जाता, इसीलिए अगर आप भी अभी भी मैग्नेटिक स्टैपर कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो तुरंत इसे बदलवा लें वरना आपका कार्ड 30 अप्रैल के बाद तो बंद हो चुका है, 1 या फिर 2 दिन में आने वाले दिनों में आपका कार्ड बंद हो जाएगा। ऐसे में आपको बैंक से लेन देन के काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए दोस्तों आज ही आप अपने बैंक में जाकर पुराने वाले कार्ड को नए वाले कार्ड से रिप्लेस करवा लीजिए और इसके अधिक जानकारी दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट। 4000 mAh बैटरी के साथ ओप्पो A1 के भारत में लॉन्च, कीमत 9,000 से भी कम। जी हाँ दोस्तों, तथा ओप्पो ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन ओप्पो A1
के लॉन्च कर दिया है, जिसकी कीमत 8,490 रुपए है। ग्राहक इस स्मार्टफोन को ऑफलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से खरीद सकते हैं। और पिछले हफ्ते ही इस हैंडसेट को रूस में पेश किया गया था और इस स्मार्टफोन को ब्लैक और रेड कलर के ऑप्शन में आप खरीद सकते हैं। ओप्पो A1 के स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें 6.1 इंच की डिस्प्ले और दोस्तों आपको क्या क्या मिलेगा, वहीं इसमें गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया जाएगा और स्मार्टफोन तथा कलर ओएस पर यह चलेगा और वहीं एंड्रॉयड 9 पाई पर यह बेस्ट होगा। इसमें ऑक्टोकोर तथा मीडियाटेक MT6762 तथा हेलियो P22 चिपसेट के साथ ये आएगा। और दोस्तों इसके बारे में और भी आप अधिक जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा वीडियो रोककर। दोस्तों ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, बड़ी अपडेट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि आप दिन भर की बड़ी खबरों से अपडेट। जय हिंद, धन्यवाद।